वकील ने कहा कि वास्तव में तुम्हारे पास बहुत महंगी महंगी चीजें हैं, तुम बहुत धनवान हो, अगर तुम बेचना चाहो तो मैं बिकवा सकता हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा मेरे पास है क्या, एक छोटा सा कपड़ा है उस पर बैठ जाता हूँ, उसको बेचने से होगा क्या। बोले नहीं नहीं तुम्हारे पास बहुत कुछ है, मुझे दिख रहा है, तुम बेचने भर को तैयार हो जाओ तो मैं लाखों रुपए में बिकवा दूंगा, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, अच्छा कैसे, मैं राजा के पास ले चलता हूं, मैं तुम्हारा सब सामान बिकवा दूंगा लाखों रुपए का। राजा के पास पहुंचा, राजा को धीरे से कान में कहा कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही आप हां कह देना। तुम अपना गरीब आदमी से कहा कि एक हाथ दे दो, राजा साहब कह रहे हैं कि 20,000 रुपए दे देंगे, और अगर दोनों हाथ देते हो तो 50,000 रुपए, और अगर आंख देते हो तो 1,00,000 रुपए। अरे बेचोगे? गरीब आदमी कह रहा कि क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आप भी बाबा जी होकर के ये चीजें बेचने की हैं क्या? अगर ये चीजें बेचने की नहीं है और तुम्हारे पास हैं, तो तुम अपने आप को समृद्धिशाली क्यों नहीं समझते, क्यों अपने आप को दीनहीन और गरीब मानते हो? तुम तो बहुत रिच हो, तुम तो बहुत धनवान हो, तुम्हारे पास कितनी कीमती चीज है, तुम्हारे पास दो हाथ हैं, तुम्हारे पास मस्तिष्क है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम आंखों से देख सकते हो। हम अपने जीवन का इस तरह से जो हमें मिला है उसका सम्मान करें, रिवरेंस ऑफ लाइफ। प्राणी मात्र के भीतर जो चेतना धड़कती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उस चेतना का सम्मान करें। हमारे अंदर भी जो चेतना है उसका सम्मान करें, वही हमारी समृद्धि का कारण है। और चौथी चीज कि मुझे किस तरह जीना चाहिए, जब मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो मुझे जीना किस तरह चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, ये तो मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। मैं जैसा जीना चाहूं वैसा जी सकता हूं, ये मेरी अपनी चॉइस है, इसके लिए भी मुझे किसी से मर्सी अपील नहीं करनी, मुझे किसी से कि मेरा जीवन ऐसा हो जाए इसकी दया की भीख नहीं मांगनी है। मैं अपने दोनों हाथों से, मैं अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकता हूं, बस सिर्फ ये है कि मुझे कैसे जीना है ये मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे अत्यंत सरल, सहज और संवेदनशील होकर के जीना है, ये मुझे उसका उत्तर स्वयं अपने भीतर खोजना पड़ेगा। और मुझे कर्म इस तरह करना है जैसे कि सूरज उगता है, तो कभी ये नहीं पूछता कि पहले ये बताओ कि कितने लोग उठोगे सुबह जागोगे, तब तो मैं जरा सोच करके उगूंगा, कितने कमल खिलेंगे जब ये सब निर्धारित हो जाए पहले, अच्छा और जब मैं उगूंगा तो मेरा वीडियो बनाओगे कि नहीं, नहीं देखो तब तो मेरा उगना सार्थक होगा, ऐसा वो कुछ पूछता है क्या? वो तो उग जाता है, वो अपना कर्तव्य करता है अत्यंत सहज होकर। हम भी जो कर्म करें, चाहे पढ़ने का हो, अत्यंत सहज होकर, नहीं तो एग्जामिनेशन फोबिया, एक भय हमारे भीतर व्याप्त हो जाता है कि अरे हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे तो होगा नहीं। नहीं भैया, मन के हारे हार है, हम अपने मन से क्यों हारे, क्यों हम नेगेटिव थॉट्स लाएं, हम अपने मन में आशान्वित होकर के कर्म करें, सहज होकर के कर्म करें, उस कर्म का बोझ अपने ऊपर ना लें। हमारी जितनी क्षमता है उसको हम लापरवाही से व्यर्थ नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमता का सदुपयोग करें, जितनी हमारी क्षमता, और कर्म हार्दिक होकर के करें, अत्यंत हृदय से करें, भावनाओं से प्रेरित होकर के करें। 1 रुपये कागज का है, उसकी क्या कीमत है, अगर उस 1 रुपए के नोट को जलाओ तो 1 बूंद पानी गर्म होगा, और ज्यादा वैल्यू नहीं उसकी, लेकिन उसके ऊपर लगी मोहर, 1 रुपए की मोहर उस कागज के टुकड़े पर लगी होने से वो 1 रुपए का चलता है, 100 रुपए का हो तो 100 रुपए का चलता है, वो मोहर कीमती है कागज के टुकड़े पर। ठीक इसी तरह हमारे कर्मों पर अगर भावनाओं की, सद्भावनाओं की मोहर लगी हो, तो वो हमारा कर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अपनी भावनाओं को कर्म करते समय संभालें। एक माँ अपने परिवार के लिए भोजन बनाती है और क्या विचार करती है, देखो तो
हमारी पूरी जिंदगी रोटी बनाओ बनाओ चली गई। हमने क्या करो, यही खिलाने भाई थे पैदा, सब खिलाने हम खुआते रहे हुए, रोटी बनाते रहे हुए, ऐसा सोच करके भी रोटी बना सकती। और दूसरी माँ क्या सोच रही, अरे मेरा सौभाग्य मुझे सबके लिए भोजन बनाने के बना करके खिलाने का सौभाग्य मिला, मेरे इस भोजन को करके सब लोग समृद्ध हों, सुख शांति पाएं, ऐसी भावना रख करके भी तो भोजन बना सकती है। कोई मित्र एक उदाहरण दिया कि कोई भी कर्म करे उस कर्म के पीछे हमारा नेगेटिव सोचना रहे, हम हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, ये हमारे जीने का स्टाइल हो। और लास्ट में मृत्यु को हम क्या समझते हैं, जीवन के बारे में तो हमने समझ लिया, मृत्यु के बारे में हमारा सोच क्या, क्या मृत्यु से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है या कि शरीर नष्ट होता है। कहते तो ये है देहावसान हुआ, कोई ये नहीं कहता कि आत्मावसान हो गया, कहता है क्या नहीं देहावसान हो गया, बात स्पष्ट है कि देह मर गई, मैं थोड़ी मरा, मैं तो फिर भी ज्यों का त्यों हूं, यानी मृत्यु मुझे नहीं मार पाती, ये मेरे जीवन में क्लियर होना चाहिए। मुझे मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मृत्यु को जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए, मुझे जब तक मृत्यु नहीं आई तब तक इस तरह जी लेना चाहिए जीवन को भरपूर, कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मुझे अपने जीवन से मरते समय शिकायत ना रहे कि मैं ठीक ढंग से जी नहीं पाया, मुझे जो जो कर लेना था अब मरण निकट आ गया है मैं कुछ नहीं कर पाया, बल्कि मरण को आते देख करके मैं प्रसन्न होकर कह सकूं कि ठीक है मैं मरने तैयार हूं, मैं मरूंगा थोड़ी, शरीर मरेगा, मुझे जो जीवन में करना था वो मैंने पूरा कर लिया। एक कलाकार था, बहुत बड़ा कलाकार, बहुत प्रसिद्धि थी उसकी। एक बार क्या हुआ, वो बाहर बहुत कम निकलता था, शहर में घूमने उमने तो जाते ही नहीं था, इतना व्यस्त रहता था अपने चित्र बनाने में। एक बार ऐसा हुआ कि वो बाहर घूमने निकला तो उसने टहलते समय देखा कि एक आदमी के तो एक हाथ ही नहीं है। उसने कहा अरे वाह इसके हाथ ही नहीं है, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक और देखा उसके दोनों ही हाथ नहीं थे, एक और देखा तो उसके पैर ही नहीं थे। अब तो वो बड़ा डिप्रेस हो गया कि हाथ नहीं है और पैर भी नहीं है। और मजा ये कि अगली क्षण उसने देखा कि एक व्यक्ति की आंख ही नहीं है। अब उसके भीतर अत्यंत निराशा छा गई जीवन के प्रति, मृत्यु से अत्यंत भयभीत हो गया, मुझे भी अगर कभी ऐसा हुआ मेरा हाथ नहीं रहा, मेरे पैर नहीं रहे, मेरी आंख फूट गई तो क्या करूंगा मैं। अब उसने चित्र बनाना छोड़ दिया, बड़ी वैराग्य की बातें करने लगा। कोई कहता था कि अरे चित्र क्यों नहीं बनाते, बोले क्या बनाना चित्र, कभी हमारे हाथ खराब हो जाए, कभी हमारे पैर टूट जाएंगे किसी ना किसी दिन, कभी हमारी आंख फूट जाएंगी, हम क्या करेंगे। बड़ा निराश होकर के उसने अपना जीवन शेष बिताना शुरू किया। लोगों ने बहुत समझाया कि भैया तुम्हारे हाथ थोड़ी टूट रहे हैं, तुम्हारे पैर थोड़ी टूटे हैं, तुम्हारी आंख थोड़ी फूट गई है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आया। उसको तो भीतर अनकॉन्शियस में ये बात बैठ गई कि किसी भी दिन मेरे साथ भी ऐसा ही सब कुछ हो सकता है। हुआ कुछ नहीं है, मरने से पहले मर जाते हम, मरने के डर से जी नहीं पाते ठीक से। और वही उसके साथ हुआ, उसके गुरुजी ने सुना कि मेरा शिष्य विड्रॉ कर लिया लाइफ से। मृत्यु का भय हमें जीवन से विमुख ना करे, इतना ही मुझे मृत्यु के बारे में आपसे कहना है। सबके जीवन में मृत्यु का सामना होता है, लेकिन इससे पहले कि मृत्यु का सामना करना पड़े मैं अपने जीवन को सार्थक कर लूं, मैं ऐसे जी लूं, ये हमारे भीतर एक सोच होना चाहिए। तो गुरु ने आकर के कहा कि हाँ बात तो सही है, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी आंख फूट सकती है, तुम्हारे दोनों हाथ खराब हो सकते हैं, तुम्हारे पैर खराब हो सकते हैं। उसने कहा अरे वाह गुरुजी आप बहुत सही कह रहे हैं, इतने सारे लोग हमेशा यही कहते थे तुम्हारे थोड़ी हाथ खराब होंगे, तुम्हारे थोड़ी पैर खराब होंगे, लोग समझते नहीं थे, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मेरे तो हाथ खराब हो सकते हैं, मेरे पैर खराब हो सकते हैं, मेरी आंख फूट सकती है, आपने बहुत ठीक कहा। गुरुजी ने उसके बाद कहा कि सुनो हो सकते हैं तुम्हारे हाथ खराब हो सकते, तुम्हारे पैर खराब हो सकते, तुम्हारी आंख की रोशनी जा सकती है, लेकिन
जब तक ये कुछ भी नहीं हुआ तब तक तो तुम एक ऐसा चित्र बना लो जिससे तुम अमर हो जाओ। बस इतनी सी बात से उसके भीतर कहीं आशा की ज्योति जल गई और उसने अपने चित्र बनाना फिर से शुरू कर दिया। आशान्वित होकर के उसने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। निराशा में भी हम अपना जीवन जीते हैं, जीवन से निराश होकर के, और हम आशान्वित होकर के बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। निराश होकर के तो जो हमारे पास है उसे भी हम खो सकते हैं, और आशान्वित होकर के जो हमें अभी तक नहीं मिला उसके लिए भी प्रयत्न करके हम पा सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजें और स्वयं उत्तर पाकर के अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए, विकसित करने के लिए प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, हम सबका जीवन बहुत विकसित हो सकता बहुत